सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स टर्म 2 का ऑफिशियल सैंपल पेपर जस्ट थोड़ी देर पहले ही लॉन्च हुआ और उसका सोल्यूशन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। ठीक है, सो वीडियो को कर दो लाइक क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं, टर्म 2 की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। जो नया पैटर्न है उसी के आधार पर क्वेश्चन पेपर हमें दिया गया, सीबीएसई ने जो पैटर्न हमें सेट करके दिया है इसी आधार पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और टर्म मैंने पेपर देख लिया है, पेपर बहुत ही आसान है और ये जो कर रहे हैं स्टैंडर्ड का इतना आसान है तो बेसिक तो और भी आसान है। ठीक है, आपके पास चार सेक्शन है। ठीक है, देखिए सेक्शन ए में क्या है, कहना द क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 14 क्वेश्चन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन ए बी सी। ठीक है, 3 सेक्शन आपके पास, ऑल सेक्शंस आर कंपल्सरी। सेक्शन ए में आपके 6 क्वेश्चन है ऑफ 2 मार्क्स ईच। इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 2 क्वेश्चंस, इंटरनल चॉइस दिया गया है 2 क्वेश्चन में। ठीक है, सेक्शन बी आपके 4 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स होगा हर एक क्वेश्चन का। इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। सेक्शन सी कंप्राइजेस ऑफ 4 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच एंड इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। इट कंसिस्ट 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, आपके 2 केस स्टडी क्वेश्चन भी आएंगे। सो आप देख पा रहे हैं पिछले कुछ टाइम से केस स्टडी क्वेश्चंस आपको सीबीएसई दे ही रहा है। ठीक है, तो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, हर एक क्वेश्चन को हम डिटेल में सॉल्व करते हुए चलेंगे। सो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 एंड A15 फॉर द AP। AP आपको गिवन है, ठंड में ना हाथ एकदम जाम है फिर भी बस करवा रहा हूँ। AP क्या है बच्चों हमारे पास 6, 9, 12, 15 ऐसा हमारे पास चल रहा है। तो हियर यहाँ पर देखो बच्चों, जो फर्स्ट टर्म है वो 6 है, जो कॉमन डिफरेंस है ठीक है सेकेंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म यानी कि 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको A25 निकालना है, A25 माइनस के A15। A25 का मतलब क्या होता है, 1 कम कर दो 24D। ठीक है, और A15 का मतलब होता है A+14D। प्लस का ही माइनस का कैंसिल, 24D में से 14 का डी माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 10D। ठीक है, डी का मान कितना है बेटा 3, तो ये आंसर आ जाएगा 30। आंसर कितना आ जाएगा 30। ऐसे आपको लिखना है, प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ लिखना है। इंटरनल क्वेश्चन जो भी आपको प्रोवाइडेड है वो भी हम करेंगे और मैं आ जाऊँ। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ 7th टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द 5th टर्म देन द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ये आप प्रॉपर लेट कर लेना। सो देखो बच्चों गिवन क्या है हमें, ठीक है गिवन क्या रखे, 7 टाइम्स ऑफ 7 टर्म मतलब 7 टाइम्स ऑफ 7th टर्म किसके इक्वल है, 5th टाइम ऑफ 5th टर्म, ये चीज आप क्वेश्चन में दे रखा है। A7 का मतलब है A+6D और A5 का मतलब है A+4D। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 7A और ये 5A, इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 7×42D और 25×20D। ठीक है, इधर ले आए, 7 में से 5 गया 2A, 42 में से 20 गया 22, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा A+11D। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में इधर के 0 हो जाएगा। ठीक, सो A+11D कितना आ गया 0। A+11D का मतलब क्या है, 12th टर्म, तो 12th टर्म हमारा कितना होगा बेटा, 0 होगा। ये हमारा आंसर आ गया फटाक से। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन कुछ ही क्वेश्चन है गिने चुने और हम देखते देखते फटाफट सबको सॉल्व भी कर देंगे। अब आ जाओ थर्ड वाले क्वेश्चन में, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि फ्रॉम अ पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, 2 टेंजेंट्स पी एंड पी बी ड्रॉ किए गए हैं। कुछ दिन पहले मैंने सर्कल चैप्टर पूरा कराया था, 2 सर्कल जो सेंटर है हमारा जो सी है ना, ठीक है वो है 0.8। OP हमारी कितनी है, 2R है और हमें AP भी फाइंड करना है। AP B ये वाला एंगल कितना होगा वो फाइंड करना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल AP इज, AP B किस टाइप का ट्रायंगल है वो हमें बताना है। अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है अगर ध्यान से ट्रायंगल्स को देखें, आपको पता है, अगर आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको पता होंगे, ठीक है चैप्टर सर्कल का हम ढंग से पढ़ा है, कि अगर टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है
तो ये वाला जो ट्राइंगल होगा और ये वाला ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है, ठीक है, वी नो, या तुम करके भी देख सकते हो, ये रेडियस है, ये रेडियस है, इसकी डिस्टेंस इक्वल है, और ये वाला दोनों में कॉमन है, तो भाई एस एस प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है, वो तो बात की बात है। अब देखो आपको एक चीज दिखाता हूँ, ट्राइंगल कौन सा ले लेता हूँ मैं, हम मान लेते हैं, लेट हम अपने से मान लेते हैं कि जो ए पी, ए पी ओ वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल को हम थीटा बोल देते हैं, ठीक है, हमने इसको थीटा बोला, ठीक है। अब थीटा कितना होगा वो हम देखना चाह रहे हैं, तभी अगर थीटा पता होगा तभी हम एंगल की बारे में जानकारी ले सक पाए, ले पाएंगे, है ना। सो देखो बच्चों, अभी कॉन्ग्रुएंट बोला ना, उसका भी यूज होगा इस क्वेश्चन में, है दो नंबर का लेकिन करना पड़ेगा। देखो सिंस आपको ओ ए पता है और ओ पी भी पता है ना, ओ ए अपॉन, देखो परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है, ये कितना है बेटा आर, ये हमारा टू आर साइन थीटा, सो आर से आर कैंसिल, यहाँ आ गया वन बाई टू, ठीक है बच्चों, ये साइन में है तो इसकी वैल्यू भी साइन में, सोचो ये साइन किसकी वैल्यू होती है, थर्टी की वैल्यू होती है, कंपैरिजन कर देंगे तो थर्टी आ जाएगा थीटा के प्लेस पे, तो थीटा मेरा कितना बेटा थर्टी है, ओके, ये मेरा थर्टी है। ए पी बी किस टाइप का ट्राइंगल है वो हमें बताना है, ठीक है। देखो अगर ये थर्टी है, रीजन दे रहा हूँ, सिंस ट्राइंगल ट्राइंगल पी ए ओ, पी ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी बी ओ, इट इम्प्लाइज अगर इधर थीटा है ना तो इस तरफ भी थीटा होगा, इट इम्प्लाइज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एंगल ए पी बी, इट एंगल ए पी बी ट्वाइस ऑफ थीटा हो जाएगा, यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, ठीक। सो ये किस टाइप का ट्राइंगल है ए पी बी वो आपको बताना है कि ये किस टाइप का ट्राइंगल। अब देखो मैं ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ, आप आइडिया लगाओ, ठीक है, ये आपको 60 मिल गया, अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, आपको पता होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 होता है, बाय 10.1 थ्योरम यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 90 होता है, ये इधर से आ रहा है, अगर इधर कुछ थीटा एंगल है, इधर कुछ थीटा एंगल है, तो ये वाला कितना होगा बेटा 90 माइनस थीटा होगा, ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, ये वाला कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये वाला भी कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, कोई शॉर्टकट रीजन नहीं दे रहा हूँ, भाई एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इज 180 डिग्री, 60, अगर थीटा पता चल जाए तो बात बन जाएगी, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा तो ये आ गया 180, सो देखो 90 से 90 180 कैंसिल, माइनस का 2 थीटा, इधर आके प्लस का 2 थीटा हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 30 आ जाएगी। अब जैसे यहाँ 30 तुम माइनस करोगे तो ये वाला एंगल 60 आ जाएगा और ये वाला एंगल भी तुम्हारा 60 आ जाएगा, तीनों एंगल तुम्हारे 60-60 के आ गए, सो जीरो ट्राइंगल ए पी बी होगा, तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं, इट मीन्स ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, दिस इज योर आंसर, ठीक है, एकदम डिटेल में मैं बता रहा हूँ, हर एक चीज़ को मैंने आपको समझा दिया, अभी ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से देखते ही देखते बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन आपका फोर्थ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में फोर्थ, पढ़ते हैं पहले हम इसको, कह रहे द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको दे रखा है राइट सर्कुलर कोन का, ठीक है, एक कोन बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है, ठीक है बच्चों, ये हमारा कोन है जिसकी रेडियस आर है, हाइट एच है, और ये वाला लेंथ स्लेंट जो हाइट है वो हमारी एल है, ओके, हमें क्या गिवन है बच्चों, जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं, गिवन है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस ए बोलते हैं हम इसको शॉर्टकट में, सी एस ए,
कर्व्ड सरफेस एरिया वो हमें कितना दे रखा है 12320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर, रेडियस हमें दे रखा है 56 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी होगी ये हमें बताना है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी होगी वो हमें बताना है। ओके, आपको पता है हाइट निकालने के लिए सबसे पहले चीज देखो, आपको पता है सी एस ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा पाई आर एल। ठीक है, सी एस ए आपको गिवन है 1 2 3 2 0, पाई की वैल्यू आप 22/7 रखो, आर की वैल्यू 56 7 8 56 कट जाता है ना, आपको एल नहीं पता। ठीक है, एल की मदद से जब तक एल नहीं निकलेगा तब तक तुम एच नहीं निकाल पाओगे, इनमें रिलेशन होता है ना आर में एच में एल में, सो हमें एल निकालना पड़ेगा पहले। सो देखो इसको सॉल्व करेंगे, 7 8 56, ठीक है, सो ये 12320, ये 22 × 8 इधर आ जाएगा यहाँ एल। ओके, अब इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो एल की वैल्यू तुम्हें 70 मिलेगी, कितनी मिलेगी 70 सेंटीमीटर, लेकिन तुम्हें एल नहीं निकालना है, तुम्हें निकालना है एच। वी नीड टू फाइंड एच, सिंस आपको पता होगा कि जो एल स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होता है। ठीक है ना, सो एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट एच के बराबर हो जाएगा। एल कितना है 70, आर कितना है 56 एच। अब इसको तुम जब सॉल्व करोगे तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। सो देखो बेटा इसको जो सॉल्व करते हैं, 7 7 49 00 और यहाँ से आ जाएगा 56 × 56, 6 6 36 और 6 5 30 और 336 हो गया, 5 6 30 फिर से लगा 3 5 5 25 और 3 28 6 3। ठीक है, तो यहाँ से 31 36 एच माइनस कर देंगे। ठीक है, 0 10 में से 6 गया 4, तो 9 में से 3 गया 6, 8 में से 1 गया 7। ठीक है, और कैरी इसने 1 दे दिया, 4 में से 3 गया 1। 1764 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 42 आ जाएगा। सो जो हाइट होगी वो कितनी होगी 42 सेंटीमीटर होगी, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर बच्चों, आराम से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल है। कह रहे मिसेस गर्ग रिकॉर्डेड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल, शी कैलकुलेट द मॉडल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एस 45। ठीक है, सो उसने क्या किया, मॉडल मार्क्स जो है हमारा, मॉडल हमें दे रखा है 45। व्हाइल प्रिंटिंग द डाटा अ ब्लैंक वाज लेफ्ट, ठीक है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द गिवन बिलो। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड है, मतलब प्रिंटिंग वाला पार्ट थोड़ा पीछे छपा हुआ है, ये मेरी गलती नहीं है, ये सीबीएसई नहीं ऐसा कुछ छापा है, सो ये ऐसा है। ठीक है, ये आपके टेबल है, ये आपका इंटरवल है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है एक्चुअली। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ मिसिंग है यहाँ से, इसको आपको निकालना है, इसको आपको निकालना है। मैं थोड़ा सा ढंग से रख देता हूँ। ये सबसे पहले हमें क्या देखना होता है मोडा मोड के लिए, मोडाल मोड एक ही बात है। सो उसके लिए हमें क्या देखना होता है कि जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू हो रहा है, बिल्कुल इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी है यहाँ पर, अगर देखी जाए यहाँ से तो 10 सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, 10 हमारी सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी है। ओके, और एक चीज़ ये हो रहा है, एक चीज़ नोट करने वाली ये है, यहाँ पे तो बड़ी है लेकिन ये भी तो बड़ी हो सकती है, ये तो डैश दे रखा है, लेकिन हमें क्या गिवन है, मोडल क्लास गिवन है 45। ठीक है, सिंस इसने हमारा काम इजी कर दिया, गिवन क्या है मोडल, वो कितना है 45। ये जो मोडल 45 है किस रेंज में आएगा, किस इंटरवल के बीच में आ जा रहा है, इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, 40 से 60 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 40 से 60 के बीच में आ रहा है कि नहीं। सो हियर ये आइडिया लग देते हैं, हमारे पास L कितना है बेटा 40 है, और डिफरेंस कितने कितने का है, 20 का डिफरेंस है, तो H हमारे पास 20 है। सो देखो बेटा ये हमारे पास F1 है जो कि आपको काउंट करना है,
ठीक है, F1 के बाद वाले को हम F2 बोलते हैं और इससे प्रीवियस वाले को हम F0 बोलते हैं। ये हमारी मॉडल क्लास होती है। आपसे अगर मॉडल क्लास बोलता तो आप ये बोलते 40 to 60। ये लोअर लिमिट है, इसे L से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सो मॉडल या मोड फॉर्मूला क्या होता है बेटा, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में आता है आपका 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इनटू H। मोड आपको क्वेश्चन में दे रखा है 45, L हमारे पास 40 है, F1 आपको काउंट करना है और आपका F0 कितना है बच्चों, F0 आपके पास 10 है, ठीक है, H आपके पास 20 है, 2F1 काउंट करना है हमें, फिर आपका F0 10 माइनस, फिर आपका F2 कितना बेटा इस क्वेश्चन में 6। ओके सॉल्व कर दें, प्लस के 40 दे रखे क्या हो जाएगा माइनस का, डिटेल में करवा रहा हूँ कोई शॉर्टकट नहीं है। ओके यहाँ से 20 F1 माइनस के F0 तो 2F1 10 माइनस 6 माइनस के 16, सो यहाँ से आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ है 20 F1 माइनस के F0 2F1 16 तो 5 चौके 20, तिरछी गुणा कर देंगे 2F1 माइनस के 16, 4 से अंदर गुणा करो 4F1 और ये आपका कितना बेटा 10 है, 4 × 2 = 40। तो नंबर्स को एक तरफ लाओ, माइनस के 40 इधर के प्लस का, ये 4F1 प्लस के 2F1 इधर के माइनस के 2F1, तो 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, और यहाँ से 2F1 दो एक कम दो, दो दो ही 4, सो जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी आ जाएगी बच्चों, 12 आ जाएगी। ठीक है, जो मिसिंग नंबर है वो कितना है बेटा, 12 है, दिस इज योर आंसर, ये आपका 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसमें चॉइस दे रखी है तो हम तो सारा ही कर रहे हैं, चॉइस वॉइस जो भी है। ठीक है, कह रहे इफ रितु वेयर यंगर बाई 5 years देन व्हाट शी इज रियली इज देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज, व्हाट इज हर प्रेजेंट एज। तो मैंने बोला था, कई बच्चे बोल रहे थे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं आएंगे, देखो ये वर्ड्स प्रॉब्लम है, CBSE ने खुद दिया है, मैं नहीं दे रहा हूँ, और कई बच्चे बोल रहे थे कि नहीं आएंगे, कई टीचर ने भी बोला नहीं आएंगे, लेकिन मैंने जो वन शॉट करवाया था उस पर मैंने बेसिक्स वर्ड्स प्रॉब्लम बोले थे आएंगे, और मैंने करवाया भी था। अगर आपको बिलीव नहीं होता है, वन शॉट की वीडियोज़ की लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, कई हफ्ते पहले करवा दिया था मैंने, और जब मैंने करवाया था बच्चे बोले थे वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप क्यों करवा रहे हो, ये देखो आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी है कि नहीं। सो ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है, आप किस एजुकेटर से पढ़ रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट रखता है मायने, कौन सा आपको कैसे गाइड कर रहा है, अगर ऐसे प्रिपेयर नहीं करके जाओगे तो फंस जाओगे, आपका ही नुकसान है इसमें। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो मान लेते हैं कि जो प्रेजेंट एज है रितु की, लेट, 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, लेट प्रेजेंट एज, ठीक है प्रेजेंट एज जो है रितु की वो हम मान लेते हैं एक्स ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ही लाइन में कर रहे हैं, रितु वेयर यंगर बाई 5 years देन, ठीक है 5 साल यंगर मतलब 5 साल छोटी, तो 5 साल छोटी ये हुआ, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज, ठीक है जो एज है उसका अगर स्क्वायर करते हो तो किसके इक्वल आता है, एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर प्रेजेंट एज से 11 मोर के इक्वल होगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, आई बस वन में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ओके सो इधर लेके आऊँ, एक्स स्क्वायर माइनस के 15x 25, ये माइनस 11 हो जाएगा तो ये प्लस के 14 बचेगा, मल्टीप्लाई करने पे 14 है, ऐड करने पे 15 है, 14 और एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 15 माइनस के 14x माइनस के x, यहाँ से एक पेयर, यहाँ से x कॉमन x माइनस के 14, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो माइनस x माइनस के 14, जो दो बार है उसे हम एक बार लिखेंगे
और जो हमने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में. इफ एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू जीरो, सो एक्स की वैल्यू 14 आ जाएगी. इफ एक्स इक्वल्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी. ठीक है, सो देखो कौन सा कोई एक सही होगा, है ना. अगर तुम एक्स के प्लेस पे 1 रख दोगे, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा. एक्स के प्लेस पे जैसे तुम 1 रखोगे, जैसे 1 माइनस 5, तो 1 एज कभी माइनस में नहीं आती, है ना. एक्स में से 5 माइनस करोगे तो 5 साल पहले माइनस 4 ईयर होगा, तो दिस इज इम्पॉसिबल. तो आंसर क्या हो जाएगा, 14. एज कभी माइनस में नहीं होती अगर कंडीशन में रख के देखोगे ना, 5 साल पहले के लिए. अगर उसकी एज अभी 1 साल है तो 5 साल पहले माइनस, वो तो पैदा ही नहीं हुई होती, तो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आंसर रॉन्ग होगा. आंसर आपका ये वाला ट्रू होगा. ओके बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. सॉल्व करो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. सो पेपर देख के ये आइडिया लग रहा है कि पेपर बहुत ही सिंपल आने वाला है, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. अगर बेसिक एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप तो भी काम चल जाएगा, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन, थोड़े बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन लगा ले रहो, बात बन जाएगी. आपको कोई एक्स्ट्रा बुक वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ना ही कोई मार्केट से बुक खरीदने की जरूरत है एक्स्ट्रा, ठीक. और फालतू के समय पेपर जो अभी आने वाले हैं ना, वो भी मत खरीदो, मैं तो कहूँगा. इसी से काम चल जाएगा जो आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ. सातवां क्वेश्चन आ जाओ. अच्छा ये तो कर लो पहले, आपको x को सॉल्व करना है. देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर a के प्लेस पे क्या है बेटा, 9 है. b के प्लेस पे माइनस के 6p है, और c के प्लेस पे पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर. ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर टू क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, यही तो फार्मूला होता है. माइनस के बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4, a के प्लेस पे कितना है 9, एंड c के प्लेस पे पी स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a. वैल्यू पुट अप कर दी हमने, ये आ गया 6p, यहाँ से आ गया 36 पी स्क्वायर, यहाँ से आ गया 36 पी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 36 क्यू स्क्वायर नेगेटिव, ये कटा अपॉन में 9 दुनी 18, तो यहाँ से आ जाएगा 6p प्लस माइनस 36 का 6 और यहाँ क्यू अपॉन में 18. सो बच्चों एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, और थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो तुम, चाहे दुनिया 18. सो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पी प्लस माइनस की वो अपॉन 2, यहीं पे छोड़ दो, ये आपका आंसर आ गया. अगर प्रॉपर वे में थोड़ा और लिखना चाहो, एक बार पॉजिटिव साइन लोगे तो पी प्लस क्यू बाई 2 आ जाएगा पॉजिटिव साइन लेने पर, और नेगेटिव साइन लोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी पी माइनस क्यू बाई 2. दैट्स इट, जो तुम्हें सही लगे उस वे में अपने आंसर्स को रख सकते हो. क्लियर, आराम से हो गया. दो क्यों लिख रहा हूँ, 6 3 18 है ना, 3 होगा यहाँ पर, हम सॉरी गाइस. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. कह रहे फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लॉन्ग जंप कॉम्पिटिशन इन विच 250 स्टूडेंट्स. अब सेक्शन बी आ चुका है, 3-3 मार्क्स के हैं, 250 स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे. फाइंड द मीडियन, हमें मीडियन फाइंड करना है. डिस्टेंस जंप्ड बाय द स्टूडेंट्स इंटरप्टेड द मीडियन. आपको मीडियन को पता करना है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है. अब मीडियन निकालने के लिए सबसे बेसिक चीज क्या है बेटा, आप सबसे पहले देखो यहाँ पर आपका इंटरवल है, ठीक है, उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी आता है, उसके बाद आपका सीएफ आता है, दैट्स इट. कि सीएफ बोले तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी टेबल, तो ये 0 to 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन दे रखे हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने देखो बच्चों, यहाँ पर 40, यहाँ पर 80, 62, 38, 30, ये चीज़ आपको दे रखी है. आपको सीएफ निकालना है, यहाँ 40 वैसे का वैसे आ जाता है, इसमें ये जोड़ना है 40 और 80 कितना हो जाएगा 120, 120 और 62 कितना हो जाएगा 182, 182 और 38 कितना हो जाएगा,
ठीक है, 182 और 38 को जोड़ेंगे तो 220, 220 और 30 250, और क्वेश्चन में भी दे रखा था कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 250, इन सब को ऐड करोगे 250 आ रहा होगा। यहाँ पे जो होता है यहाँ पे भी वही आता है कैलकुलेट करने पर, अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपने गड़बड़ की है। ओके गाइज, सो टोटल फ्रिक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एन बोलते हैं। अब आपको क्या करना होता है, एन बाई टू, एन बाई टू बोले तो 250 बाई 2, यानी कि यह आ जाएगा 2 1 2, 2 3 4, 2 5 10, 125 से जस्ट ज़्यादा। आपको कहाँ ढूंढना होता है, सी एफ में। तो पहला जस्ट ज़्यादा तो बहुत सारे हैं, लेकिन पहला ज़्यादा तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक है। तो ये जो इंटरवल है ये हमारा होता है मीडियन इंटरवल, ठीक है, जो कि है आपका 2 से 3। यहाँ पे भी देखने की वाली बात है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा था वहीं से शुरू होना है, सही है मतलब, है ना। तो देखो बच्चा हमारे पास L कितना है, 2 है, और डिफरेंस कितने कितने का है, 3 में से 2 माइनस करोगे, 1 1 का डिफरेंस है सब में, ओके। और ये जो हमारे पास, ये हमारा F होता है, 62 हमारे पास F है। तो कई बच्चे बोलेंगे सर सी एफ क्या है, जहाँ आपने ढूंढा था जस्ट उसके ऊपर वाला, ये हमारा सी एफ होता है। तो सी एफ हमारे पास 120 है, ठीक है, ये सब चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अरे भाई पेज कहाँ है, फॉर्मूले में रख दो मीडियन। मीडियन इसका टू फार्मूला क्या होता है बच्चा, एल प्लस एन बाई टू माइनस के सी एफ इंटू एच अपॉन एफ। एल का मान कितना है बेटा, 2, एन बाई टू कितना आया था, 125, सी एफ कितना है हमारे पास, 120, एच कितना है, 1, एफ कितना है मेरे पास, 62, 2, 125 में से ये 5 अपॉन 62, ठीक है, 5 में 62 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो हल करते हैं, 2 2 4 ये आ जाएगा, 2 2 4 6 2 12 प्लस 5 अपॉन 62, यानी कि ये आ जाएगा 129 बाई 62। 62 से भाग दे देंगे तो ये 2.2 स्थान तक ले लिया, 2.08 आ जाएगा मीटर, ये इसका मीडियन आ गया। दिस इज आर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बच्चों, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। आठवां क्वेश्चन मैंने कल ही कराया था डिटेल में, ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा आठवें क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर, अलग से डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको वीडियो लिस्ट में भी मिल जाएगा। ये क्वेश्चन 2 दिन पहले मैंने कराया था और वही CBSE ने दे दिए हैं, ठीक है, उसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख लेना। नवे क्वेश्चन पे आ जाऊँ, कहते द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन इन 1 डे क्रिकेट मैचेस, फाइंड मीन। अरे भाई मीन निकालना है, सबसे पहले देखो इंटरवल देखो, 40 पे ख़त्म हो रहा है, 40 से शुरू हो रहा है, भाई झंझट ही खत्म हो गया, ठीक है। अब इसका मीन निकालते हैं भाई, मीन निकालने के लिए किस मेथड का यूज़ करने के लिए बोला गया है, नहीं बोला गया है, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, डायरेक्ट मेथड होता है, सो हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे। जब मेथड का नाम नहीं बोला है तो वही लगाएंगे। सबसे पहले हमारे पास इंटरवल दे रखा है, यानी कि जिसे हम यहाँ रन बोला जा रहा है, उसके बाद नंबर ऑफ बैट्समैन यानी कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको क्लास इंटरवल एक्स चाहिए होगा, फिर आपको एफ एक्स चाहिए होगा, है ना। टेबल बना लेते हैं, 0 से 40, 40 से 80, 80 से 120, 120 से 160 और 160 से 200। मज़े की बात यह है कि इनमें इंटरवल 40-40 का सेम डिफरेंस ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं था, बट इसने काम आसान कर दिया। फ्रीक्वेंसी है 12, 20, 35, 30, 23, ठीक है। और एक्स निकालने का लॉजिक क्या है, इन दोनों को जोड़ो, 40-40 का आधा 20, सब में एक्चुअली 40-40 का डिफरेंस है, तो 40-40 ऐड करते जाएंगे हम, ठीक है, 40-40 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा, 20 में 40 ऐड करोगे तो 60, फिर 100, फिर 140, फिर 180 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करनी है, 12 दुनी 24, ठीक है, फिर ये 6 दुनी 12, ये 35 से कम 35, पीछे से 00, 14 दिया 42, पीछे से 20,
23 को 14 से गुणा करना है और 23 को 18 से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा 414, पीछे से एक जीरो। एफ एक्स को जोड़ना होता है, टोटल इन सबको जोड़ो, ठीक है ये आ जाएगा। अब आपको पता है मीन बाय डायरेक्ट मेथड क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स है 13280, सिग्मा एफ को भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक है सिग्मा एफ को ऐड करो, क्वेश्चन में दिया था क्या, नहीं आपको ऐड करना पड़ेगा इन सबको, ठीक है इन सबको ऐड करोगे ये 120 आ गया, ठीक है 120 से डिवाइड कर, जीरो से जीरो कटो, अब 12 से भाग दे दो, ठीक है 12 से भाग दे दोगे, 12 एकम 12 इतना आ गया आंसर, ठीक है ये हमारा मेन आ जाएगा। ओके आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9 भी देखते देखते हमने कर लिया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजी है, दोनों क्वेश्चंस करेंगे हम, सारे ही कर रहे हैं। कह रहे टू वर्टिकल पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स आर स्टैंडिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम ईच अदर ऑन द लेवल ग्राउंड। ओके द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड पोल इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द सेकेंड पोल फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट पोल इज 30 डिग्री, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू पोल्स। ठीक है तो हमें दोनों पोल्स के हाइट के डिफरेंस निकाल के आपको बतानी है। अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन, चलिए करते हैं। हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक है यहाँ पर दो पोल्स लगे पड़े हैं, एक पोल छोटा होगा एक पोल्स बड़ा होगा, ठीक है सो पोल्स के बीच ये जो डिस्टेंस है वो हमें 20 मीटर बोली गई है। तो पहला बोल रहे हैं कि इसके पोल से सेकंड फर्स्ट पोल के सेकंड फर्स्ट पोल के इससे और सेकंड पोल के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, और फिर सेकंड पोल के टॉप से फर्स्ट पोल के फुट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है सो इनकी जो हाइट होगी इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा वो आपको निकाल के बताना है। मान लेते इसकी हाइट एक्स है इसकी हाइट वाई है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, आपको हाइट के बीच का डिफरेंस ही निकालना है। नाम दे दो इसका ए बी सी डी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक है आपको एक लॉजिक रूल पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, है ना। सो देखो बेटा आपको ये निकालना है और ये पता है, हमेशा दो चीज़ों के बीच रिलेशन लगाते हैं, जो पता है और जो आपको निकालना है। सो ए बी, ए बी अपॉन बी सी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। सो इस वाले ट्रायंगल में थीटा कितना है, 60 है। सो ए बी हमने हमारे पास एक्स है, बी सी हमारे पास 20 है, 1060 की वैल्यू रूट थ्री, सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 20√3 मीटर। ओके अगेन दूसरे वाले ट्राइंगल में आ जाओ, इन ट्राइंगल डी सी बी, ये पता है ये निकालना, सॉरी ये निकालना ये पता है, डी सी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री है। सो डी सी अपन के पास वाई है, बी सी हमारे पास 20 है, 10√3 की वैल्यू 1√3, सो वाई की वैल्यू 20√3। सो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस बड़ी है ये डिस्टेंस छोटी है, सो डिफरेंस जो क्वेश्चन में बोला है हाइट्स का डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स कितना है 20√3 और यह है 20√3। सॉल्व करेंगे ऊपर से 20 कॉमन आ जाएगा ये बचेगा, ठीक है 20√3 एलसीएम आ जाएगा, √3 × √3 3, यहाँ से 1, 20 × 2√3 ये आ जाएगा 40√3, √3 कभी भी नीचे नहीं छोड़ते तो 3 से गुणा कर देंगे, सो आ जाएगा 40√3, ठीक है आप चाहो तो 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है कटेगा क्या, 3 से काट सकते हो आप, कुछ बोला है क्या किसी की वैल्यू वैल्यू पुटअप पुटअप करो, अरे हाँ बोल रखा है, बोल क्या रखा है कि √3 की वैल्यू 1.73 पुट करो,
और फिर इसको तीन से डिवाइड करो, तो इसको सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई करना और फिर थ्री से डिवाइड कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये कितना मिलेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कितना आया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊँ, कह रहे हैं अ बॉय 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम हिज आई इज 60 डिग्री, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की आपको हाइट पता करनी है। अच्छा तो देखो बेटा, एक लड़का खड़ा है, लड़के की हाइट कितनी है 1.7 मीटर, वो बिल्डिंग से कुछ दूर खड़ा है, बिल्डिंग की हाइट आपको पता करनी है, कितना दूर खड़ा है 50 मीटर दूर खड़ा है, ठीक है। सो लड़के की आँख से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, तो इसकी पैरेलल यहाँ एक लाइन लेनी पड़ेगी, तो यहाँ बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। सो देखो अगर 1.75 ये है तो 1.7 ये भी होगा, ठीक है। सो हम क्या मान लेते हैं, इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं, ठीक है। सो जो हाइट ऑफ बिल्डिंग होगी ना, हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, वो कितनी होगी h प्लस 1.7, ठीक है। अगर ये हाइट मुझे मिल जाए, यहाँ पर 90 है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। नाम दे दो a b c d e, ये 50 है, ऑब्वियसली ये भी 50 हो जाएगा। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, आपको ये निकालना है और ये पता है ई डी अपॉन ए डी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा, टेन थीटा कितना है बेटा 60 डिग्री है, ए डी को आपने एच बोला है, ए डी आपके पास 50 है, टेन 60 की वैल्यू रूट थ्री, तो एच की वैल्यू हो जाएगी 50 रूट थ्री। सो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे हम, यहाँ पर h की वैल्यू 50 रूट थ्री प्लस 1.7, ठीक है। इस क्वेश्चन में रूट थ्री की वैल्यू फिर से रखने के लिए बोला है 1.73, तो 50 इंटू 1.73 प्लस 1.7 मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और इसको जब पूरा सॉल्व कर दोगे सो आपका आंसर आ जाएगा 88.2 मीटर, ठीक है। ये आप करके देख लेना, आपको यही आंसर मिलेगा। आगे आते हैं सेक्शन सी में, हम लास्ट सेक्शन में कहते द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। स्फेरिकल सेल है, समझ रहे हो आप, मतलब चूड़ी टाइप, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, इट इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर एक सॉलिड सिलेंडर बनाया जाता है जिसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट पता करनी है। ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, आपको टोटल सरफेस एरिया भी निकाल के बताना है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, क्या बोला गया, आपके पास एक स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल सेल, स्फेरियस समझते हैं ना, चूड़ी, मैंने वो गलत बोल दिया, आई थिंक चूड़ी बोल, चूड़ी नहीं है, आई एम सॉरी गाइस, चूड़ी नहीं है, स्फेरिकल, स्फेर का मतलब क्या होता है, समझ पा रहे हैं आप, स्फेरिकल सेल मतलब जैसे जस्ट लाइक गेंद, ठीक है, जिसका बाहर से एक है और उसके थिकनेक की वजह से अंदर से एक रेडियस है, दो रेडियस है हमारे पास, एक आर वन बोल दो, एक आर टू बोल दो, ठीक है। सो पहली वाली जो रेडियस है वो 5 है, दूसरी वाली जो रेडियस है वो 3 है इसकी, ठीक है, और इसको ट्रांसफॉर्म करके क्या बनाया जाता है, सॉलिड सिलेंडर बनाया जाता है, सॉलिड सिलेंडर बनाया जाता है। सिलेंडर में क्या बोला गया है बेटा, सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, जिसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो 14 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। एक तो इसकी हाइट निकालनी है, ठीक है, ये फाइंड करना है पहला काम, सिंस इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ शेल, सेल बोल देते हैं शॉर्टकट में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा, है क्या ना, इससे ये बनाया जा रहा है, तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, सारा खेल फॉर्मूले का, 4/3 r1 क्यूब r2 क्यूब,
ये होता है वॉल्यूम, और इसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई से तो पाई कैंसिल, पाई के झंझट खत्म। आर वन कितना है 5 का क्यूब, आर टू कितना है 3 का क्यूब, रेडियस कितना है 7 का स्क्वायर एच आपको फाइंड करना है। सो देखो बच्चों, यहाँ से 4/3, यहाँ से कितना जाएगा 25 पंजे 125, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और ये 7 7 49 ये डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ एच बचा। ठीक है, सो घटाओ इसमें से तो 98, 49 टू जो 98 और 4 2 8/3। ठीक है, सो एच जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8/3 7 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया, पहला आंसर तो ये आ गया। नेक्स्ट आपसे क्या बोला गया था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया था, ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टी एस ए ऑफ सिलेंडर, ये हमसे बोला गया था। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता, सारा खेल फॉर्मूला का, 2πr r + h। ठीक है, 2π की वैल्यू 22/7, रेडियस हमारे पास 7 है, और h हमने कितना निकाला अभी 8.8/3, कटा 22 2 44 मल्टीप्लाई 7 8.3 8/3 बोल रहा हूँ 44 7 21 21 और 8 29/3। इसको सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा, कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 12th नंबर पे। 12th नंबर के बाद फिर आपका केस स्टडी वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, सो 12th नंबर पे आ जाओ। कह रहे प्रूव दैट एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल सप्लीमेंटेड विद द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द सर्कल। कुछ दिन पहले ही ये क्वेश्चन मैंने कराया था, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, 10.2 का क्वेश्चन है, मुझे तो याद भी हो गया इतने साल पढ़ाते पढ़ाते, है ना। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी का है, ये दोनों क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है। सो मैं क्या करवाता हूँ, पहला वाला तो बहुत ही आसान है, एनसीईआरटी 10.2 का क्वेश्चन है ये, आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो 10.2 की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे, या मैंने कल ही कराया था, देख लेना मेरे लिस्ट में। दूसरा वाला मैं करा दे रहा हूँ, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। ठीक है, इसे मैं करवा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने मार्क भी करवा के रखा था कि इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं। कह रहे टू टेंजेंट टीपी एंड टीक्यू, टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। प्रूव दैट पी टी क्यू इज इक्वल टू दिस, पी टी क्यू ये वाला जो एंगल है वो ट्वाइस होगा ओ पी क्यू के इस वाले के। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, लेट हम मान लेते हैं कि जो पी टी क्यू एंगल है, इस एंगल को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी थोड़ी देर पहले के पहले ही क्वेश्चन में, पहले दूसरे क्वेश्चन में हमने बताया था कि ये जो ट्रायंगल होता है वो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनता है, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बनता है, और यहाँ पे जो एंगल होता है यहाँ पे भी वही एंगल होता है कि नहीं होता है, ये हमने बताया था। देखो, और आपको पता है, अभी किया भी था, वैसे तो पूरा करना चाहिए बट हम शॉर्टकट तरीका अपना रहे हैं यहाँ पर। सो देखिए, जो एंगल है बेटा टी पी क्यू एंगल होगा, और ये जो टी क्यू पी एंगल होगा, इसको हम थीटा बोला ना, चूंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो एंगल है बेटा, एंगल कौन सा, ओ पी सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जो एंगल है मेरा टी पी क्यू और टी क्यू पी और एंगल मेरा टी क्यू पी, ये दोनों के दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ लिख देना ऑल्सो ट्राइंगल टी पी क्यू इज एन आइसोसेल्स बोल रहा हूँ यार, आइसोसेल्स तो होगा ही होगा, वैसे अभी हमने दिखाया भी था ना, वहां पे तो सब चीजें दे रखी थी। आइसोसेल्स ट्राइंगल किस लिए होगा? बाई 10.2 थ्योरम, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा, ठीक है, आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा। क्यों यहाँ रीजन दे सकते हो? बाई 10.2 थ्योरम, ठीक है। मैं आपको बस आइडिया दे रहा हूँ, रफ आइडिया, कि टीपी और टीक्यू इक्वल है ना, जब दो साइड्स इक्वल है तो ये आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा, आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा, इसी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, ठीक है। अब वो कितने होंगे देखो, वो क्या होगा, वो एंगल कितना होगा वो आपको बताना है। सो देखिए, यहां से लेकर यहां तक एंगल हमारा 90 होता है बाय 10.1 थ्योरम, यहां से लेकर यहां तक भी एंगल 90 होता है, 90 कितना हो गया 180, और इसको आपने थीटा बोला है, ठीक है ना। सो ये एंगल क्या हो जाएगा, और इधर जितना होगा इधर भी उतना होगा, सो 180 माइनस का थीटा हाफ, ये दोनों एंगल इतने होंगे, कोई दिक्कत नहीं, विच मीन्स 90 माइनस थीटा बाई 2, ये भी और ये भी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में आ जाओ, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू आप कैसे लिख सकते हो, ओ पी टी एंगल ओ पी टी माइनस एंगल टी पी क्यू, ठीक है। ओ पी टी कितना है बेटा, 10.1 थ्योरम से देखो, ओ पी टी यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, और टी पी क्यू अभी आपने निकाला 90 माइनस थीटा बाई 2, कैंसिल, सो ये आ गया थीटा बाई 2, ठीक है। सो ये अपॉन में 2 इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और यहाँ पर थीटा बचा, थीटा को आपने क्या माना था, पी टी ओ, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड, आराम से हो गया, सिंपल वे में बताया, बाकी आपके एनसीईआरटी में दूसरे तरीके से कर रखा है, देख लेना आप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, ये मैंने जानबूझ के छोड़ा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपसे नहीं होता है तो आप मैंने 10.2 जो मैंने दो दो दिन पहले करवाया था वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। अब आते हैं नए क्वेश्चन केस स्टडी वाले प्रॉब्लम्स में, ठीक है, केस स्टडी के प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री पे केस स्टडी बनाया गया है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पर, कह रहे ट्रिग्नोमेट्री इज द फॉर्म ऑफ ट्राइंगुलर फॉर्म्स द बेसिक्स ऑफ नेविगेशन वेदर इट इज बाय लैंड सी और एयर, जीपीएस और रेशियो नेविगेशन सिस्टम हेल्प्स टू लोकेट आवर पोजीशन ऑन अर्थ विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स, अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर, एक टावर है हमारे पास, ठीक है, ये जो टावर है बेटा उसकी हाइट कितनी है, 240 मीटर है, ऑब्जर्व्ड एन अनडिटरफाइंड बोट कमिंग टूवर्ड्स इट, एक बोट है, मान लीजिए ये देखो बोट दिख रहा है, ठीक है, ये बोट की पोजिशन है, वो इस तरफ आ रहा है, ठीक है, द गार्ड यूज टू क्लाइनोमीटर टू मेजर द एंगल डिप्रेशन तो कमिंग टूवर्ड द लाइट हाउस एंड फाउंड इट टू बी 30 डिग्री, जो डिप्रेशन है लाइट की, ठीक है, वो कितनी है 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 30 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 30 डिग्री होगी, ठीक है। तो हमसे दो चीज़ पूछ रहे हैं, ये चित्र तो मैंने बना लिया, मेक अ लेबल्ड फिगर, मैंने एक लेबल्ड फिगर बना दिया, लेबल्ड फिगर ये बना दिया था मैंने, ये 240 है, ये यहाँ से यहाँ तक 30 है, नाम इसका दे दो ए बी सी, ठीक है, एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट, डिस्टेंस ऑफ द बोट निकालना है, ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है, डिस्टेंस ऑफ द बोट निकालना है फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वर ऑफ टावर, ओके, पहली चीज़ तो ये निकालते हैं, फिर देखते हैं बाद में सेकंड में क्या बोला गया, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, आपको बी सी दे रखा है और आपको ए बी निकालना है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा, थीटा कितना बेटा 30 डिग्री है, BC मेरे पास 240 है, AB मेरे पास x, 10 30 की वैल्यू 1/√3, एक्स वन जा एक्स, ये आंसर आ गया 240√3 आंसर, पहले वाला आंसर तो ये मिल गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, सेकंड में क्या बोला, आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वॉज अप्रोप्रिएटिंग द टावर एंड डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस टू दिस, 10 मिनट बाद डिस्टेंस इतनी हो जाती है, ही इमीडिएटली रेज्ड द अलार्म, व्हाट वॉज द न्यू एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑब्जर्व टावर। सो जो नया और होगा, मतलब पहले जो टावर थी, मतलब पहले जो डिस्टेंस थी ना इतनी थी 240√3 थी, तो कुछ टाइम बाद और जो डिस्टेंस है वो इतनी और कम हो गई, इतनी ना कम हो गई, तो पहले इतनी थी 240, ठीक है 240√3 थी, अब उसमें से कितनी कम हो गई, और इतनी कम हो गई 240√3 माइनस के 1, सो ये कटा माइनस माइनस प्लस 1 आ गई। ठीक है, सो ये चीज आ गई, क्या दे रखा 240 बाहर है, अरे यार 240 बाहर है तो यहाँ पर भी 240 हो जाएगा, सो ये 240 आ गई। ठीक है, तो अब की बार जो ये डिस्टेंस है ना, ये भी 240 है और ये भी आपके पास 240 है, आपको पता है जब परपेंडिकुलर और जब बेस सेम हो जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज 45 डिग्री आएगा, इसे आप मना के भी दिखा सकते हो, जितने बना दिया आपने ए बी सी लिख दिया, सिंस ए बी अपॉन बी सी 240 परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा होता है, सो ये 1:10 थीटा, ठीक है 1 किसकी वैल्यू होती है 10^45 की वैल्यू होती है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगी, सो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में। ओके चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, केस स्टडी नंबर 2, कह रहे पुशअप्स आर फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ, दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलेटिक्स, व्हाइल द पुशअप्स इज प्रिमिटेड टारगेट द मसल्स ऑफ द चेस्ट आर्म्स एंड शोल्डर्स, सपोर्ट्स रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर मसल्स हेल्प इन टोनिंग अप द होल बॉडी। ठीक है, तो पुशअप मारो बच्चों अगर आपको बॉडी बनानी है तो। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें से क्या बोल रहे हैं, नितेश wants to participate in the push-up challenge, he can currently make 3000 push-ups in 1 hour, but he wants to achieve a target of 3900 push-ups in 1 hour, theek hai, for which practices regularly, with each day of practices he is able to make 5 more push-ups, theek hai, to uski starting journey abhi 3000 hai, theek hai, ye aapka A ho gaya, और वो हर दिन यानी कि डी 5 more पुशअप्स बना जाता है, उसका टारगेट कितना है, लास्ट टारगेट 3900, लास्ट टारगेट यही है, तो ए एन ये है। ठीक है, इफ वन फर्स्ट डे ऑफ, पहले दिन अगर इतना मारता है 3000 और कंटिन्यूसली इस चीज़ को बढ़ाता रहता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, फ्रॉम एन ए पी रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हैंस द फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज he needs to practice before the day his goal is accomplished, मतलब एन निकालना है पहले वाले क्वेश्चन में, सो आपको पता है ए एन इसको स्टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ठीक है ए एन कितना है 3900, ए कितना है 3000 और एन आपको निकालना है, डी कितना है 5 है, यहाँ पर 3000 प्लस कर के माइनस का हो जाएगा 900 बचेगा, 5 से डिवाइड करोगे 5×5, 5×40 माइनस का 1 करके प्लस का 1 हो जाएगा 181 आ जाएगा, तो उसको 181 डेज उसको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है 180 बस, अब आप कहोगे क्योंकि आंसर 181 नहीं है, मिनिमम कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ डेज कितने होंगे वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, जिस दिन से वो शुरू करेगा उसको आपको काउंट नहीं करना है, सो 181 आया है 1 माइनस कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग वो 3000 से घट रहा था, सो आंसर 180 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स, कितने पुशअप्स उसने किए वो आपको निकालना है,
तो यानी कि एस एन फाइंड करना है। एस एन क्या होता है बेटा, जब आपको पहला टर्म और लास्ट टर्म बताओ तो एन लगा दो। एन हमारे पास कितना है, 181 बाई टू। पहला पुश, पहले दिन का पुशअप से वो स्टार्ट करता है 3000 से और लास्ट में कितने पहुंच जाता है इतने पे। इसको सॉल्व करो, 181 अपॉन टू ये आ जाएगा 6900। दो तीन छः, दो चौके आठ, दो पंजे दस, तो 181 इंटू 3450 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। कमेंट करके बताओ कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये CBSE टर्म टू मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम जो होने वाला 2022 का, उसका सैम्पल पेपर ऑफिशियल हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। बाकी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, इसको ज़रूर चेकआउट करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।